हेलो फ्रेंड्स, मैं बबीता आपका अपनी रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ हरा भरा कबाब। तो हरा भरा कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है, हरा चना लिया है। तो जो हरा चना है उसे मैंने सबसे पहले ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पीस कर रख लेते हैं। और चिकन आपके पास अगर बोनलेस है तो उसे आप ग्राइंड कर सकते हैं, और नहीं तो चिकन कीमा ही ला सकते हैं। और इसमें मैंने सारे मसाले यूज किए हैं, एक एक चम्मच के करीब। इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरक लहसुन को मैंने पीसा नहीं है, इसे हम क्रश कर लेते हैं अच्छे से, किसी भी चीज़ पे क्रश कर लें। तो मैं सबसे पहले इसे क्रश कर लेती हूँ। क्रश करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसके भी डाल सकते हैं, पर मुझे क्रश किया हुआ ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं क्रश कर रही हूँ। तो सबको पहले अच्छे से क्रश करके और उसके बाद उसमें हम डालेंगे चिकन में सब। एक चम्मच के करीब हो गया है तो। चलिए अब हम सब मसालों को उसमें मिक्स करते हैं चिकन में। सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, जितने भी मसाले हैं मैंने लिख दिया है इंग्रेडिएंट्स में, आप उसे फॉलो कर लें। सारे मसाले एक एक चम्मच के करीब हैं। टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है मैंने, और जो चना मैंने पीस के रखा है उसे भी हम डालेंगे। बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इसे हम सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अपने हाथों से मिक्स कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से मिक्स कर सकते हैं, मिक्स अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, पर सरसों का तेल डालने से इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने इसमें सरसों का तेल ही यूज किया है, इससे मॉइस्चर भी बना रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि सरसों का तेल ही यूज करें, ऐसे आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। हमने स्टिक में इसे राउंड करना है, आप लकड़ी का स्टिक ना यूज करें क्योंकि ओवन में वो जल जाएगा, इसलिए लोहे का स्टिक लगाएंगे। अच्छे से इसे रैप करना है और ओवन में डाल देना है। कितने डिग्री पर डालना है वो मैंने लिख दिया है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, तब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगा। ये हमारा अच्छे से पक गया है, हमने इसे निकाल लिया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, कैसा बना है हमें ज़रूर बताएं। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।